हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो नाउ कंटिन्यू अवर चैप्टर 12 कार्बोक्सिलिक एसिड अवर टॉपिक्स। सो नाउ टुडेस टॉपिक इज प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सो वी स्टार्ट द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सो फर्स्ट वी प्रिपेयर द कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम द प्राइमरी अल्कोहल। सो वी टेक अ प्राइमरी अल्कोहल दैट इज ऑक्सीडाइज्ड विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां पे कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लिए हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, क्लियर, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, पोटेशियम डाइक्रोमेट, या ये क्या है, जोन सीरीज है। सो जोन सीरीज इन व्हाट इज, सो क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन मिक्सचर ऑफ H2SO4 दैट कॉज जोन सीरीज इन इनसे प्रेजेंस में जो रिएक्शन कराते हैं कि एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराते हैं, दैट एसिडिक मीडियम गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड। सो नाउ वी स्टार्ट हियर CH3CH2OH That is it, primary alcohols. Primary alcohols are carbon surrounded by one carbon. Clear? So that primary alcohols in the presence of यहाँ पे आप ले सकते हैं या तो chromium trioxide या भी potassium permanganate या potassium dichromate. In the presence of Jones reagent, Jones reagent provide acidic medium. क्या करते हैं, acidic medium provide कराते हैं जिससे ये bonds क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाता है। सो ऑक्सीडेशन में जैसे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सो O2 को हम लिख सकते हैं O डबल बॉन्ड O, क्लियर। सो रिमूव द हाइड्रोजन एंड वन ऑक्सीजन, व्हाट विल बी रिमूव, सो रिमूव प्लस H2O रिमेनिंग दैट ऑक्सीजन अटैच्ड विद कार्बन एटम, क्लियर। सो इन द प्रेजेंस ऑफ जोंस रिएजेंट दैट बॉन्ड इज ब्रेक, hydrogen hydrogen bond is break, so this hydrogen combine with one oxygen that make H2O. so what are remaining kya bache hai aapke, CH3 C double bond O or OH, so structure likh dete hain CH3 C double bond O OH, clear। so yahan pe ka product apna tha ethanol, उनका परमाणु नंबर वही ग्रुप इथेनॉल, इथेनॉल से क्या बना, इथेनोइक एसिड का फॉर्मेशन, इथेनोइक एसिड। सो दैट गिव्स ओनली प्राइमरी अल्कोहल्स। वन थिंग यू रिमेंबर दैट व्हिच टाइप ऑफ अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल्स, बिकॉज़ दे हैव टू हाइड्रोजन। यदि आप सबको सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल जैसे मैंने आप ये एग्जांपल CH3H तो इस कंडीशन में देखिए हाइड्रोजन CH3 और OH फिर से बनेगा, एक बहुत बड़ा सवाल है। तो सेकेंडरी अल्कोहल से ही लेना है आपको, किसके साथ होगा रिएक्शन, होगी ऑन प्राइमरी अल्कोहल। यदि आप सेकेंडरी लेते हैं तो CH3H और यहाँ से O क्या बन जाएगा, CH3OH, मतलब वहाँ वाटर का रिमूवल नहीं होगा, क्लियर। सो दैट मींस बाय द ओनली प्राइमरी अल्कोहल। So here second one is from aldehyde. So aldehyde oxidizes in the presence of same oxidizing agent. इससे पहले जो oxidizing agents लिए थे आपने, potassium permanganate, potassium dichromate, chromium trioxide, Jones reagents, उसके use के लिए। अब इसमें भी क्या बना सकते हैं, carboxylic acid। अगर एक reaction हमने aldehyde के केस में पढ़ा था, chemical properties of aldehydes में, यदि हम oxidation reaction में पढ़ेंगे, यहाँ देखिए CH3C डबल बॉन्ड O इन H, दैट इज इट एथानॉल। एथानॉल के लिए ऑक्सीडेशन का है, मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्लियर। यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप लिखेंगे K2O4 या फिर क्रोमियम ट्राइऑक्साइड या तो K2Cr2O7 एंड जोन्स रीएजेंट। अब यहाँ पे देखिए एक ऑक्सीजन के लिए एडिशन कराते हैं, सॉरी हाइड्रोजन के साथ, तो बनेगा प्रोडक्ट व्हाट विल बी फॉर्म, CH3C(OH)OH रिमेनिंग क्या बचा, वन ऑक्सीजन। दिस टाइप ऑफ ऑक्सीजन कॉल्ड नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन आर मोर एक्टिव, बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, सडनली किसी के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। अब हम वो भी रिएक्शन की बात करें तो वन डोज तो नहीं लेते उसको, क्या अगेन वी टेक इन अदर मोड्स ऑफ दिस ईयर CH3C(OH)O11O, यहाँ जिसका अटैक आप ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, प्रेजेंस सेम रहेगा, सिमिलर क्या बनेगा, सी एच
HBC डबल बॉन्ड O O इन द H। यहाँ भी क्या बच गया, नेसेंट ऑक्सीजन। सो नेसेंट ऑक्सीजन बोथ द नेसेंट ऑक्सीजन आर कंबाइंड फ्रॉम O। अब ये O2 क्या करेगा, फिर किसी के एल्डिहाइड पर अटैक करेगा, फिर से प्रोसेस कंटिन्यू होते रहते, क्लियर। तो इस तरह से हम ऑक्सीडेशन के थ्रू एल्डिहाइड और अल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन के थ्रू क्या बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेशन कर सकते हैं। सो हियर फ्रॉम एल्किल बेंजीन, एल्किल बेंजीन इज ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। So minus H2 and और क्या हो जाएगा, यहाँ से ऑक्सीजन का पार्टिकल कराते हैं इस प्लेस C डबल O एंड T, यहाँ बचा OH और यहाँ से रिमूव हो गया H। So minus H2O, देखिए H2 रिमूव हो गया और H2 और O क्या रिमूव हुआ, H2। मैंने क्या बचा यहाँ पे C डबल O एंड K, C डबल O एंड K। सो प्रोडक्ट आपका बनेगा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट C डबल O K, क्लियर। अब यहाँ पे जो रिमाइनिंग बना H2, ये H2 क्या करते हैं, यहीं पे एडिशन कराते हैं H एंड OH, H एंड OH। सो हाइड्रोजन डिस्प्लेस टू पोटेशियम, हाइड्रोजन डिस्प्लेस टू पोटेशियम, सो व्हाट विल बी फॉर्म, C डबल O H, क्या बना C डबल O एंड H, क्या बच गया K O H, फिर से आपका एल्कलाइन प्रोडक्ट K O H को रिमाइंड। अगर उसका प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होगा, फिर से क्या बनेगा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। सो क्वेश्चन आपके इंडेक्स बुक में भी दिया है, हाउ टू कन्वर्ट ए टॉलुइन टू बेंजोइक एसिड, टॉलुइन टू बेंजोइक एसिड, आपको ये रिएक्शन लिखना है, टॉलुइन से बेंजोइक एसिड इस रिएक्शन के थ्रू फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये नेक्स्ट देखते हैं, सो फोर्थ वन इज फॉर्म नाइट्राइल एंड एमाइड। सो नाइट्राइल से एमाइड फॉर्मेशन होता है, फिर एमाइड से क्या बनता है, वहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये दोनों रिएक्शन देख लेते हैं, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड H प्लस H in the OH hydrolysis, या इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्लियर। सो यहाँ पे O का एडिशन करा दो कार्बन से और H2 का एडिशन करा देते हैं इससे नाइट्रोजन से, प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3C C डबल बॉन्ड O NH2 NH2, यहाँ अपना मेथिल एमाइड, मेथिल नाइट्राइड से नाइट्राइड से क्या बना, मेथिल नाइट्राइड टू मेथिल एमाइड, अगेन आई हाइड्रोलिसिस H एट ओ H, क्लियर। यहां से हो गया NH और यहां से वर्ड हाइड्रोजन, सो रिमूव करा दीजिए NH3, क्या बचा CH3 C डबल O एंड O CH3 C डबल O O एंड H। तो यदि आपको क्वेश्चन आते हैं नाइट्राइड टू क्या बना है, आपको नाइट्राइड टू ओइक एसिड बना है, तो कंप्लीट रिएक्शन लिखेंगे। सपोज आपको क्वेश्चन आते हैं एमाइड से लेके क्या बना है आपको कार्बोक्सिलिक, तो ओनली वन स्टेप रिएक्शन होगा, अगर ले लेते हैं एमाइड से सर C डबल बॉन्ड O NH2, सो हाइड्रोलिसिस H एंड OH, सो दैट remove here NH3 benzene ring C double bond O C double bond O and O H benzoic acid का formation, clear। so इस तरह amide से यदि आते हैं
क्लियर। यहां पे देखिए एमाइड है, एमाइड से अभी फॉर्मेशन कर करवा दे बेंजोइक एसिड तो ओनली वन स्टेप होगा, बट यदि साइनाइड से आते हो वहां पे नाइट्राइल ग्रुप से आपको टू स्टेप दो बार क्या करना पड़ेगा हाइड्रोलिसिस। ये वाला जो हाइड्रोलिसिस होता है वो H2O प्लस कैटलिस्ट प्रेजेंस H2O प्लस हाइड्रोनियम आयन कैटलिस्ट प्रेजेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट जो प्रिपरेशन्स है उसको नेक्स्ट वीडियो में हम डील करेंगे। ओके, थैंक यू।